हरी ओम सभी को। वसुंधरा पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। ये हमने गैस जला लिया है, गैस पे रख दिया है जाली और हम ये टमाटर भूनेंगे। आज हम बनाएंगे टमाटर का चोखा। टमाटर को भूनने के लिए आप ये इस तरफ वाला टमाटर जो ये वाला भाग है ये नीचे रखिएगा। चलिए देखते हैं टमाटर, देखिए हम टमाटर का चोखा कैसे लगाते हैं। ये हमने लिया है हरी मिर्च, इसे भी हम भून लेंगे। और ये लिए हैं अदरक, अदरक को भी हम भून लेंगे। लहसुन प्याज का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप लहसुन को भी जाली पे भून सकते हैं टमाटर की चोखा में डालने के लिए। ये देखिए टमाटर को हम ऐसे उलटते पलटते रहेंगे। ऐसे ही हम सबको उलटते पलटते रहेंगे और भून लेंगे अच्छी तरीके से। आप अगर हरी मिर्च ना भी भूनना चाहें, वैसे डालना चाहें काट के, तो ऐसे भी डाल सकते हैं। टमाटर हमारा अच्छे से भून रहा है, देखिए। इसे हम ऐसे ही उलटते पलटते रहेंगे। हरी मिर्च हमारी भून गई है, इसे हम निकाल लेंगे। अदरक भी हमारा भून गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। टमाटर जब हमारा भून जाएगा तो इसका हम छिलका उतार लेंगे और इसे फोड़ लेंगे। टमाटर हमारा भून गया है, अब चलिए हम इसे रख देते हैं निकाल के, ठंडा हो जाए। तब तक हम धनिया, हरी मिर्च ये काट लेते हैं। जो हरी मिर्च को हमने भूना है इसे काट लेंगे और अदरक को छील के कूट लेंगे। जो अदरक भून गया है इसे भी छील के कूट लेंगे कुटनी में। ये देखिए हमने हरी धनिया को काट लिया है, अदरक जो हम भूने थे उसको हमने कूट लिया है और ये हरी मिर्च है इसको भुने थे काट लिया है। ये है चाट मसाला जो हम टमाटर के चोखे में डालेंगे। और ये है नींबू। अब ये है टमाटर, इसका भी छिलका हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से छिलका निकल जाता है, ये ऐसे ही निकाल लेंगे सारे छिलके को। सभी टमाटर के छिलके को ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से छील गया है, ऐसे ही सभी को छील लेंगे। सभी टमाटरों को हमने छील लिया है, अब हम ये टमाटर इस कुटनी में डाल के कूटेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी डाल के दरदरा कूट सकते हैं या हाथों से फोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। देखिए हमारा अच्छे से कूट गया है। अब हम इसे एक प्लेट लिए हैं, इसमें हम निकाल लेंगे। ऐसे हम ये वाला टमाटर भी कूट लेंगे। दूसरे टमाटर को भी हमने कूट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अब ये टमाटर का आपकी इच्छा हो तो हार्ड वाला पार्ट हटा सकते हैं। ये देखिए ये हटा देंगे इसको,
ये बहुत टाइट है, इसे हटा देंगे। और अब हम टमाटर को डालेंगे एक कटोरी में। अब हम इस टमाटर के चोखे में डालेंगे चाट मसाला, ये हमने चाट मसाला डाल दिया है। भुना हुआ अदरक डाल देंगे जो हमने कूट लिया था अदरक, ये जो हमने भुना हुआ हरी मिर्च था काट लिया है वो भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसके और छोटे छोटे शेप में कर सकते हैं, पर हमने ये बड़ा बड़ा काटा है। अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देंगे, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमने सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू, अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। बीज गिर गया है, ये बीज को निकाल देंगे। नींबू के रस को हमने डाल दिया है, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे चोखे में टमाटर के। ये हमने गैस पे तवा रखा है, तवा को हम गरम कर लिए हैं, हमारा गरम हो गया तवा। इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, अगर आप कच्चा तेल खाना पसंद करते हैं तो इसमें कच्चा तेल भी डाल सकते हैं चोखे में, लेकिन हम गरम करके तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम उसमें डाल देंगे जीरा, जीरा के बाद हम डाल देंगे हींग। आपको अगर हींग पसंद है तो अभी हींग डालिएगा, हींग डालने से क्या रहता है पेट में गैस नहीं बनता है। और अब हम डाल देंगे लाल मिर्च, अब ये टमाटर की चटनी में जो हम तड़का लगाए हैं इसे डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे भुना जीरा और भुना धनिया, दोनों मिक्स है इसी में, भुना जीरा और भुना धनिया दोनों, इसका पाउडर मिला देंगे इसमें। बहुत टेस्टी बना है चोखा हमारा, आप और इसमें जो कुछ मसाले ऐड करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो इसमें लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। बहुत चटपटी होती अच्छी बनी है चटनी हमारी। नींबू का रस थोड़ा और डाल देंगे। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। अगर आप इसमें कड़वा तेल कच्चा खाना पसंद करते हैं तो कच्चा डालिए, और आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरि ओम सभी को, हरि ओम।